बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तनवीर और आप देख रहे हैं तनवीर बाइक स्पेशलिस्ट चैनल। दोस्तों, अगर आप अपनी बैटरी डायरेक्ट छोटी प्लेट से चार्जर कर रहे हैं तो हरगिज़ ना करें। आप ये वाला छोटा सा ये PMW कंट्रोलर है, ये चार्जर ये ले आएँ, ये आपको तकरीबन 1300 रुपये में मिल जाएगा। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है कि एक तो यहाँ पर आपको ये वोल्ट बताएगा कि कितने वोल्ट प्लेट की तरफ से आ रहे हैं और कितने ये अभी यहाँ पर ये अम्पेयर भी बताएगा कि कितने अम्पेयर प्लेट की तरफ से आ रहे हैं। नीचे बैटरी की आपको पोजीशन बताएगा कि बैटरी कहाँ तक चार्ज होगी और कितनी यूज़ होगी है। उसके नीचे आउटपुट का भी हमने जो लोड है, जैसे अब पहले हम डायरेक्ट प्लेट से या बैटरी से पंखे चलाते हैं तो वो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि हमारी बैटरी कितनी रह गई है या कितनी रही तो कितने अम्पेयर पर चल रही है। तो यहाँ अभी हम एक फ़ैन चलाते हैं, छत वाला AC DC फ़ैन है, तो वो तकरीबन 4 अम्पेयर का होता है। तो अभी यहाँ पर है, हमें अम्पेयर भी बताएगा कि ये कितने अम्पेयर है। यहाँ देखो अभी शुरू हो गए हैं, पंखा जैसे चला तो इसके ये तकरीबन 4-3.5-4 अम्पेयर का वो पंखा होता है एक, तो वो चलेगा। तो इसका मकसद ये है कि जब आप जो डायरेक्ट चलाते हैं उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बैटरी की लाइफ भी अच्छी नहीं होती, तो इससे आपकी बैटरी भी काफ़ी हद तक लाइफ अच्छी चलेगी और दूसरा आपको पता भी चलता रहेगा कि अपनी बैटरी की कितनी बैटरी रह गई है, कितने परसेंट बैटरी आपकी बाकी है, कितनी मतलब कि आपके और यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हमें आपको यहाँ मिल जाएगा ये USB पोर्ट केबल मिल जाएंगे दोनों तरफ। यहाँ पर हम USB लगा कर अपना सबसे जो पहला मेन है जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मोबाइल, वो यहाँ पर दोस्तों हम चार्ज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ केबल लगा के आपको मोबाइल ये देखें, हमारा यहाँ पर अभी चार्जर मोबाइल चार्जिंग और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है मोबाइल चार्जिंग की। दोस्तों, सोलर प्लेटों के मतलब हमारे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मौजूद हैं, हम आपके लिए रोज़ बरोज़ इसी तरह वीडियोज़ बनाते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक कर दे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।